Hey friends, I'm your host and your dost Anamika and welcome to Anna's Recipes. Friends, आज बनाते हैं एक बहुत ही fruity recipe और ये बहुत simple, बहुत tasty है. सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये ready हो जाएगी और आप एक बार इसे खाएंगे तो आप दोबारा इसे खाएंगे. ये बहुत tasty है. तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं हमारे fruity shots. Hey friends, to subscribe my channel, click on the subscribe button and please, please do not forget to hit the bell button so that you get the notification of all the recipes. फ्रेंड्स, फ्रूटी शॉट्स बनाने के लिए मैंने कुछ मिक्स फ्रूट्स लिए हैं. आप कोई भी सीजनल किसी भी तरह के मिक्स फ्रूट्स ले सकते हैं. कुछ बिस्किट के क्रम्स हैं, कुछ कॉर्नफ्लेक्स हैं और थोड़ी सी क्रीम ली है मैंने. ये है फ्रेश क्रीम और इसमें मैंने आइसिंग शुगर यानी कि चीनी को पीस के इसमें मिलाया हुआ है. थोड़ा सा मैंने लिया है वनीला एसेंस. आइए अब हम असेंबल करते हैं. सबसे पहले इस फ्रेश क्रीम में थोड़ा सा वनीला एसेंस मिला देती हूँ और अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं. चीनी और वनीला एसेंस मिलाने के बाद आप चाहें तो इसे रेफ्रिजरेट कर सकते हैं. अगर बेटर है अगर आप इसे ओवरनाइट रेफ्रिजरेट कर दें या 4 to 5 hours. क्रीम थोड़ी थिक हो जाएगी. अदरवाइज आप 30 to 40 minutes रेफ्रिजरेट करके भी इसे यूज कर सकते हैं. ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब इसे असेंबल करते हैं. असेंबल करने के लिए मैंने दो शॉर्ट ग्लासेस लिए हैं. आप चाहे तो जार्स में करिए. सबसे पहले मैं बेस में डाल देती हूँ अपने पिसे हुए बिस्किट का मिक्सचर. फ्रेंड्स, इस मिक्सचर में मैंने हल्का सा बटर भी लगाया है ताकि ये थोड़ा ग्रीस रहे. थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स. अब डाल देते हैं बहुत सारी क्रीम. या अपनी इच्छा के हिसाब से आप क्रीम की क्वांटिटी यूज कर सकते हैं. आप चाहे तो व्हिप्ड क्रीम भी मार्केट से लेकर यूज कर सकते हैं. फ्रूट्स, फिर से टॉप करते हैं क्रीम की एक लेयर के साथ. बिस्किट का जो पाउडर है वो दोबारा इस पे डाल देते हैं. एक और लेयर लगा देते हैं फ्रूट की. थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स और थोड़ी सी क्रीम से टॉप कर देते हैं और ये हमारा ग्लास रेडी है. बनाते हैं दूसरा ग्लास. इसमें भी डाल देती हूँ बिस्किट का मिक्सचर नीचे बेस पे. थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स. आप अपने हिसाब से टॉपिंग सेट करिए जैसे आपको पसंद है, जिस क्वांटिटी में आप डालना चाहते हैं अपने हिसाब से लेयर्स लगाइए. क्रीम लगा दिया, फ्रूट लगा दिया, एक और क्रीम की लेयर लगा देती हूँ मैं. थोड़ा सा बिस्किट पाउडर का मिक्सचर, एक और फ्रूट की लेयर. कुछ ऑरेंजेस लगा देती हूँ, सुंदर लगते हैं ऊपर. कॉर्नफ्लेक्स और फिर टॉप कर दिए एक और क्रीम की लेयर से. ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके फ्रूटी शॉट्स एकदम डन है. मैंने इनको गार्निश कर दिया थोड़ा कार्डमम पाउडर से. आप इसे इसके बाद रेफ्रिजरेट कर दीजिए और चिल्ड सर्व करिए. दिवाली के सीजन में जहाँ बहुत सारी स्वीट्स आपने खाई हैं वहाँ पे ये चिल्ड और रिफ्रेशिंग डेजर्ट कम एक स्नैक आपको बहुत टेस्टी लगेगा. अगर आप इसमें फ्रेश क्रीम नहीं चाहते तो आप हंकर यानी कि गाढ़ा दही भी यूज कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आप इसे बनाइए, इसे खाइए और बताइए कि आपको ये कैसा लगा. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.